हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। मैं प्रिंस अरोड़ा गल कर रहा जी, बाला जी जॉब प्लेसमेंट सर्विस मोगा सिटी तो। अज आप फिर हाजिर हाँ न्यू वैकेंसी की अपडेट्स लैके थोड़े वास्ते। जो भैन भरा अटैच ने एंड जो अटैच नहीं है, प्लीज़ उस चैनल में सबसक्राइब कर ताकि उन्होंने सिटीज़ दी भी हर तरह की अपडेट साड़ी कंपनी वालों मिलती रहन। एंड चलो शुरू करते हैं जी। सब तो पहली गल, गंगानगर पटियाला करनाल के सानू मार्केटिंग बॉयज की रिक्वायरमेंट है, जिन्हों का एक मार्केटिंग लाइन का एक्सपीरियंस हो। कंपनी की सैलरी दे ऑफर अच्छे ने, जो कि 20 से 22 हज़ार कंपनी सैलरी देने रेडी है। इन्होंने कम कंपनी वास्ते इन्हों की करना पेगा, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो जी अपना एक तो कंपनी वैबसाइट डिवेलपर वगैरह का काम देखती है, जो कि वैबसाइट बनाने का काम करती है, कंपनी लोगो बनाने का काम करती है, कंपनी कई तरह की सर्विसिज दे रही है कंपनी। एंड जो कि थोनू पूरी जानकारी उन्होंने इंटरव्यू दौरान ही मिल सकती है। तो ये सिर्फ उही परसन कॉन्टैक्ट कर जिन्हों का मार्केटिंग लाइन के एक्सपीरियंस हो। प्लीज़ ये फ्रैशर्स वास्ते जॉब नहीं है। दूसरी जॉब वाल वधदे हैं जी। आप दूसरी जॉब मोगा सिटी वास्ते है जी। लोकल मोगा च रहने वाले परसन जिन्होंने बजाजी के वर्क में कुछ टाइम लगाया हो, सानू इत्थे मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत आ, जिन्होंने बजाजी का काम किया हो। कुछ उन्होंने मीटर मिन्ना आना चाहिए बजाजी के काम वाले। आई थिंक ये चीज़ बखूबी आँदी होगी, जो मीटर मिन्ना की हुंदा। सानू बजाजी के काम वास्ते एक मेल एंड फीमेल चाहिए ने। जो सैलरी की गलबात वो इंटरव्यू के दौरान ही क्लीयर होगी, वो की तनख्वाह लै रहे थे पहले या की ऑफर उन्होंने कंपनी वालों की जा रही है। ये मोगा लोकल सिटी वास्ते है जी। ये फ्रैशर वास्ते नहीं है, इनके वास्ते भी सानू ट्रेन्ड परसन चाहिए जिन्होंने बजाजी का वर्क किया हो, कपड़ा लाइन का बजाजी का वर्क किया हो। आप चलते हैं जी नवी अगली वैकेंसी वाल। हाँ जी, एक इमीग्रेसन सेंटर नूं मार्केटिंग करन वास्ते एक मुंडे दी लोड़ आ। इंदे विच फ्रैशर परसन भी अप्लाई कर सकदा। ये मोगा सिटी वास्ते अजे भी वैकेंसी पेट्रोल कंपनी वालों मुहैया करवाया जाऊगा जी। 10th और प्लस टू किया होया परसन इंदे विच अप्लाई कर सकदा हैगा। मार्केटिंग दा वर्क है, एडवरटाइजमेंट करनी है जी कंपनी दी, जो कंपनी दा प्रोडक्ट है, जो फोरन दे वास्ते अपने कस्टमर नूं कस्टमर तक पहुँचने वास्ते उन्होंने परसन नूं हायर करना, ताकि हर एक पिंड में जाके उन्होंने एडवरटाइजमेंट हो सके ते उन्होंने वो तो वध कस्टमर मिल सकन। इन जो सैलरी है जी, वो 5 से लैके 7 हज़ार के विच कंपनी पे करूगी। डिपेंड इंटरव्यू पर रहेगा भी वो किन्ने कंपनी उनकी सैलरी स्टार्ट की जाती कंपनी वालों। आप वधदे हां जी अगली जॉब वाल। एंड फिर दोबारा कपड़ा लाइन का ही वर्क है जी। सानू एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है, जो कि सेल्स गर्ल का काम पहले उन्होंने कर चुकी, हूँ कपड़ा रेडीमेड दे विच उन्होंने कितने वर्क किया हो। मोगा सिटी की ही वैकेंसी है जी। जे कोई भी फीमेल है, कोई भी इदा का भी कोई परसन है जिन्होंने कपड़ा लाइन के किसी भी जगह पर वर्क किया है मोगा सिटी के, वो अप्लाई उन्होंने वालों इस जॉब वास्ते किया जा सकता है जी। जरूर कॉन्टैक्ट कर। वाध्या जी नैक्सट जॉब वाल। सानू होस्पिटल वास्ते जी MA साइकोलॉजी दे विच एक फीमेल की रिक्वायरमेंट है, जिन्हां दी सैलरी नीयर अबाउट 15 हज़ार तक स्टार्टिंग की जा सकती है जी। सेम प्रोफाइल दे परसन ही कॉन्टैक्ट करन। MA साइकोलॉजी उस फीमेल दी कंप्लीट होनी चाहिए है, अच्छी सैलरी है, मोगा सिटी की यह जॉब आ। जिन्हां नूं भी रिक्वायरमेंट है जो सेम प्रोफाइल दे ने, वो जरूर कॉन्टैक्ट करन बाला जी जॉब प्लेसमेंट सर्विस नाल। वधदा जी नैक्सट जॉब वाल। GPS ट्रैकिंग सिस्टम जो कंपनी लगाउंदी है, इन्हां नूं रायकोट एंड खन्ना दे विच रिक्वायरमेंट है। मैं तुहानूं पिछली वीडियो च दस्या सीगा जगराओं रायकोट एंड खन्ना, जो कि जगराओं दे विच स्टाफ असीं लगा चुके हैं, हुण सानूं रायकोट एंड खन्ना दे विच रिक्वायरमेंट है। जो भी भैन भरा जो भी ब्रदर मार्केटिंग लाइन दे विच वर्क कर चुका हैगा, रायकोट एंड खन्ना एरिया दे विच सानूं दो मुंडिया की रिक्वायरमेंट है। अच्छी सैलरी है, 18 हज़ार प्लस सैलरी मिल जाऊगी, प्लस इंसेंटिव भी अच्छा मिल जाऊगा, कमीशन्स मतलब अच्छी मिल जाएगी उन्होंने। वादे नैक्सट जॉब वाले जी नवी वैकेंसी वाल। सानू मोगा सिटी में प्लाईवुड के वर्क करने वास्ते, प्लाईवुड शोरूम के वर्क करने वास्ते एक सुपरवाइजर परसन की लोड़ है, जिन्होंने पहला सुपरविजन की होगी किसी ना किसी फैक्ट्री के
ਜੋ ਕਿ ਲੇਬਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸਰ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਜੋਬ ਆ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਨਖਾਹ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ MR ਪਰਸਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ, ਪਲੱਸ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਰ ਪਰਸਨ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। 7 to 8 thousand ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਕੰਪਨੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋਬ ਆ ਇਹ, ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ 7 to 8 thousand ਸੈਲਰੀ ਪਲੱਸ ਪੈਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਫੈਬਰੀਕੇਟਰ ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨੇ। ਮੋਗਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋਬ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਵੈਲਡਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸਮੈਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 to 12 thousand ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਔਫਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੈਲੀਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਸੇਲਸਮੈਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਅਰ ਮੋਗਾ ਕੋਟ ਇਸੇਖਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨੀਅਰ ਮੋਗਾ ਕੋਟ ਇਸੇਖਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਰੈਸ਼ਰ ਗਰਲਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ 5 to 6 thousand ਰੁਪਈਆ ਸੈਲਰੀ ਔਫਰ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। 2 to 3 days ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਲਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਫਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਡ ਜੋ ਕੋਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਫੀਮੇਲਸ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਏ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀ 5 to 6 thousand ਰਹੇਗੀ। ਪਰਸਨ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਏਜ 18 to 20 years ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। 18 to 20 years ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਪਰਸਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਜੋਬ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਟ੍ਰੇਨਰ ਦੀ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਨੇ 6.5 or 7 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਨ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਬ ਦੇ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਟੀਚਰ ਜੋਬ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਕਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਐਂਡ ਜੀਰਕਪੁਰ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੇਲਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਫੋਰ ਵੀਲਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਐਂਡ ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਂਟੈਕਟ ਕਰਨ ਜੀ। ਇਹ ਜੋਬ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ।
एंड वधदे आ नैक्सट जॉब वल। मोगा सिटी दे विच फुली लेबर दा वर्क है, 4 लेबर बॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, 4 बंदे चाहिए ने मोगा सिटी दे विच जो कि लेबर दा वर्क करते हो, लेबर ची पहला काम किया हो, थोड़ा हैवी वर्क है जी। 10,000 तक सैलरी कंपनी पे कर रही है, जो कि 11 घंटे दी शिफ्ट रहूगी, डे शिफ्ट रहूगी, 11 घंटे शिफ्ट रहूगी फैक्ट्री वास्ते, लेबर वर्क वास्ते। रुख करते हैं जी अगली जॉब वाल। सानू इसे फैक्ट्री दे विच ही उन्होंने मेन ऑफिस दे विच सिटी मोगा दे विच सानू 2 कंप्यूटर ऑपरेटर गर्ल्स की रिक्वायरमेंट है, जो कि लोकल मोगा तो ही बिलोंग करते होने चाहिए ने, एक कंपनी की शर्त है जी। परसन फ्रैशर भी होवे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि 6 to 7,000 तो सैलरी इन्हें स्टार्ट हो सकती है। तो बात दें जी नैक्सट जॉब वाल। सानू मोगा सिटी दे विच सैनिटेशन दे वर्क दे विच एक बॉय और गर्ल, मेल या फीमेल दी अकाउंट्स वास्ते रिक्वायरमेंट है, जिन्होंने बिल कटने आते हो, GST लगाना आता हो, स्टॉक मेनटेन करना आता हो, मेल और फीमेल दी रिक्वायरमेंट है जी। सैनिटेशन शॉप दे विच तुसी अप्लाई कर सकते हो जी, लोकल मोगा तो हाँ जां नियर मोगा तो हाँ जी। सैकेंड जॉब है जी सानू कपड़ा शोरूम दे विच, एक अच्छे कपड़ा शोरूम दे विच सेम प्रोफाइल अकाउंटेंट दी रिक्वायरमेंट है, बिल कट्टण वास्ते, स्टॉक मेनटेन करन वास्ते। जे तुसीं भी जॉब करना चाहुंदे हो, बालाजी जॉब प्लेसमेंट सर्विस नाल जुड़ना चाहुंदे हो, चैनल नूं हुणी सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं जरूर जरूर ऑन कर दो, ताकि सानूं साडियां आउण वालियां वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन मिलते रहन। एंड जो भी मेरे ब्रदर सिस्टर सारे सिटीज़ के विचों ने, जो कि उन्हां नूं लगता भी ये जॉब वो कर पाउणगे, इदां ही असीं होर नवीं नवीं वैकेंसी की जानकारी लैके आउंदे रहांगे। जुड़े रहो साडी कंपनी नाल, जॉब वास्ते हर एक तरह की अपडेट नवी तो नवी लैके असीं आउंदे रहांगे। जो भी ब्रदर सिस्टर इस जॉब वास्ते आउणगे, जिन्हां दी भी जॉब फाइनल हुंदी रहेगी, तुसीं देख पाओगे इदां ही साडे यूट्यूब स्टेशन से उन्हां दे ऑनलाइन रिव्यूज़ नूं, उन्हां दे ऑनलाइन ओपीनियंस नूं, इदां ही तुसीं सुनते रहोगे उन्हां दी हर एक गलबात नूं, जिदा ही उन्हें जॉब सिलेक्शन हुंदी रहेगी बालाजी जॉब प्लेसमेंट सर्विस वालों। धन्यवाद थोड़े सारे साड़ी इस वीडियो में देखने वास्ते, तो मैं थोड़े तो एक उम्मीद कर तुम वीडियो वो शेयर करोगे, ताकि हर एक भैन भरा जो जॉब लभ रहा, जॉब फाइंड कर रहा, बालाजी जॉब प्लेसमेंट सर्विस है, उन्होंने जोड़ने की जरूर कोशिश करोगे। सत श्री अकाल जी, मैं इजाजत लैंना थोड़े सारे भैन भरावों तो, जरूर शेयर करियो इस वीडियो में, वो भैन भरावों की होर भी हेल्प हो सके। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी।